जाओ तुम हाँ कहीं हो न जाए एक्शन मोहब्बत किसी से और निगाह न करे ले शरारत किसी से मोहब्बत अब आ रही है आप लोगों के सामने लक्ष्मी। ओहो लक्ष्मी का संग देंगे कौन देंगे गणेश महाराज।
हाँ मैडम, हाँ जरा कुछ बलम मुंदरी को नगीनारी बलम मुंदरी को नगीनारी गई संगी गयो बालमा संगी चलूंगा मैं तो पन्ना। हाँ भैया, अब घर में ही पड़ो रहेगो के तो कछु और मालूम है भैया? मोए रह मालूम, तू बता, तो ध्यान रखना चाहिए। देख पहले गए धंधो करवे। हाँ भैया, जब वो घोट मिली हमें तुम्हें लाला, बड़ी सुंदर है गाने ये। हम महाराज प्रथम के यहाँ ले गए कि महाराज कितनो इनाम देंगे। इनाम मिलेगो, और इनाम के चक्कर में महाराज ने ऐसा करो कि हम तुम तो बंद कर ले। बंद कर ले वा, बंद कर ले तो गुनाए ननुआ। ननुआ ही तो छुड़ा छोटो बिचोर कितनो देख रे। हाँ बनी मी ती राय काई तो इतनो सो टेट तो ओ अब तो वो बड़ो जानकार है गो। अरे साल को टेट तो कितनो राजा विद्वान है गाने जात कत हमें तो छुड़ा लो। ऐसो करो, पर मोहलत कितनी है? 6 महीना की। चो भैया का वो उधार बदात तो ना दे तो नहीं। चलो अब चल रहे धंधो करवे। हाँ और धंधो फंदो तो करेंगे सो करेंगे ही, परंतु महाराज से गोकोलो हमारा गोटू ला की तो देंगे। हाँ बाबू देखेंगे साहब। और ऐसा करे भैया, हाँ यहाँ से जल्दी लेकर चले काउ तरीका ते ननुआ आए हो ना।
जिद्दी लौणा है देख तू बात कहियो मत कछु ना और यहां का वो तो कॉलेज गए पढ़वे काज कॉलेज गए वा और का को तो पढ़ावे बैठा का है कमी है ऐसा हो जल्दी और झाऊ जाए लाला तो कछु कहियो मत बात झाड़े तैयार करू झाजे झाजे तैयार करू ठीक है झाई लाई यो पापा झाज तैयार करे हैं ठीक है हैं अब चलो बढ़ाओ यार जल्दी चलो झाले बढ़ाओ झाज में कुछ कोई कमी मानी कमी तो ना देख ले मैंने ओरिया फुरिया सब देख ले चेक कर लो मैं थूक लगा लगा के देख लो सब छोरे हां थूक लगाओ यार तो कम मिर्चो बात मतलब अरे लाला तू छोटो है तो कब तक न जाने को बात है सीख जा मशीन रही है बड़े हिसाब से चलते हां 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 तो मैं सही कर लो तो चल ले चलो भैया बढ़ाओ यार अब तो देखो समझो छुट्टी है गई अब तू कछु पढ़ा तो है स्कूलों में मैं कुछ बता बोलो क्या पूछोगे वो तो वो माने में क्या चीज छोटो आ बड़ो जा छोटो आ हाँ बड़ो जा हाँ मैं सब कुछ जानता हूँ जानता है हाँ। लल्लू ले अठड़ी दे दो भैया यार ले और कहता जाते घर को चलो जाए कहता मरियो घर जा मुंह परी फूपरी खाई लल्लू अच्छा कहाँ के लिए जा रहे हो अजय कहाँ बताऊँ देख हम तो जा रहे हैं का कहाँ के लिए अरे कौन ना जा रहे कहाँ जा रहे कहाँ जा रहे हैं नहीं मामा जी तुम्हें मेरी कसम है बताओ कहाँ जा रही है मैं तुम्हारा प्यारा भांजा हूँ सब ना सब और खबर दी जा रही अब बताए अब कहाँ करे वो लल्लू रे देख एक बात बता तू है हमारी बीवी है एक लल्लू भांजो है एक हमारे पिताजी है लल्लू रे हम व्यापार करवे के लिए तुम्हारा ये लांगे ना खावे का ये कहाँ ते खाओगे व्यापार करने के लिए जा रहे हो हाँ आज व्यापार करने हाँ देश विदेश जा रहे लाला अच्छा तुम जाओ घर जा ले घर हाँ अच्छा पैसा ले जा एक रुपया ले जा लाओ ले ऐसा करियो गुत्ते रोटी खा लेंगे मामा जी गुत्ते नहीं खाऊंगा और इतने खा लो जी हाँ लाला आ रहा हाथ ही
चोर गिरे बिनती करे। चाहे तू हाथ जोर लल्लू, चाहे और कछु जोर, हम ना ले जाएंगे। हाँ चुप है जो। हाँ भैया जुन्ना ना ले जाएंगे। मैं भी जाऊंगा ना, जाऊंगा ना ले आ जाओ। अरे मारी कटारी मर जाओ मेरे मामा। वो भैया लल्लू तो मामा जिंदा बचूंगो। सगरी सरक आपकी आवाज़ हुआ, हम ही पकड़ते तो तू मरी या तो कहाँ सगरी सरक गई होती जी। खेच 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 जाए खेच। लल्लू रे मामा जी अब मिस आ जाऊँ यार। लल्लू बांध लिया। अच्छा तू चले वो मैं जाऊँगा मामा जी। अच्छा जाऊँगा। अरे मेरे बात जो तू जरूर ले चल गए। तू अपने अम्मा पर ले आया क्या? ले आऊँ आ क्या ले आ माँ से आ क्या ले आऊँ? हाँ जब ले आऊँगे भाई। मामा जी अगर मैं धंधा करना नहीं सीखूंगा तो मेरी माँ का पेट कौन भरेगा? आज सही है। ठीक है लाला ना मान तू तो तू अपनी माँ पे ते आज्ञा ले। माँ से आज्ञा मिले लूंगा, कुछ सहारा तुम देना कुछ मिलूंगा। माँ क्या मुझे आज्ञा देगी? हम चले तो करियो हर का चल रहा तुमको भी तो फिर पर बाहर जानी देख ले। ऐसा करिए पहले जा भी हिंदी में हम कहेंगे जी जी राम राम एकदम राम राम करके चलेंगे। अच्छा लल्लू हम बाद में आएंगे भांजी पहले तू अम्मा जो चली गई। तो मामा जी माता जी को समझा देना मैं ऐसा समझा तुम्हारी बात को माने माता जी ऐसा समझा देखो बेटा मेरी बात मानते वो ठीक है तो कोई बात नहीं ठीक है चलो चल तो ठीक है मैं जा रहा हूँ महलों के लिए। हाँ चलो आप भी चलो आ रहे चल लल्लू आया भैया पुन्ना चलो आया। मैंने कहा माता जी नमस्कार। बेटा खुश रहो मेरे लाल पढ़ करके आ गए। हाँ चलो खाना खा लो। मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं भूख नहीं लगी है? ओई जी जी थोड़ा सा दूध रखा है दूध पी लो बेटा। दूध भी नहीं पीऊंगा। क्यों मुझे भूख नहीं लग रही है जी जी। भैया दिल हम आई है। ठीक है आप बैठ जाओ जी जी। राम राम थोड़ी देर के लिए आप बैठ जाओ। अच्छा कोने का ही बैठ जाए। बेटा क्या है माँ मैं आपसे कुछ बात पूछना चाहती मेरी लाल। पूछो वो बेटा नहीं जो माँ की बात को नहीं बताए वो माँ नहीं जो बात बेटा की बात को नहीं पूछे। अरे काकी रे तैयारी बनवारी तुमने अरे जानकारी नहीं।
जीने कैसे। बेटा वो तो श्री कृष्ण थे, कृष्ण भगवान चीने थे। तो का तुम श्री कृष्ण हो रहे बेटा? तू बारी बोल बता रही है बेटा। बेटा बारा है बारी रे उमर क्या मैया मेरी श्री रे कृष्ण रे के साथ। नहीं बेटा, कैसी दुकान डालेगी तू मेरी? अरे तो मैं तो समझाया है मगर जीना है मान।
एक बात ना माने हमारी और हमने जाते इतनी कही है कि तू भाई छोटो है, नादान है, बालक है, हम मौजूद है करवे धरवे वारे तो तोय का पड़ियो का। इरी जी जी एक बात कहूं मैं, एक बात बता। हाँ। ये छोरा ते खाते पैदा करू ते नहीं देख ले बड़े भैया छोरे। हाँ। ऐसी बात ना करते। अच्छा हट बेटा। क्या है माँ? नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा, जाऊंगा मैं जरूर। अगर मैं धंधा नहीं करूंगा तो तेरे पेट को कौन भरेगा? ठीक है बेटा, जब मैं सीखूंगा नहीं धंधा करना मामा जी के साथ। पर एक बात सुनती जाओ। बोल क्या बात है? अरे परदेश की बात लड़े थे काबू से कछु मत कहियो रे। अच्छा ये बस ये लगी मैं कुछ नहीं बोला। अरे परदेश की बात लड़े थे काबू से कछु मत कहियो रे। मां कह रही है सुने लइयो बोरो तो है सुने लइयो तीसरी पे जवाब मत दइयो रे। श्री गंगा माताजी परदेश की बात मेरी मैया और का उठ के चुलाए कंगोरी। हां बेटा किसी से और एक सुन लूंगो दो सुन लूंगो जाते समय मेरे लाल मैं आपको इस कटारी को देती हूँ, किसी समय बेटा जी तुम्हारे काम आएगी। एक कटारी। और बेटा हाथ अपने हाथ का हथियार किसी को देना मत। नहीं माँ, ये तेरा फर्ज है तो मैं किसी को नहीं दूंगा। और मेरे लाल क्या है माँ, कोई परेशानी हो कोई विपदा पड़े तो दुर्गे माँ को आप याद करना बेटा, दुर्गे माँ आकर के तुम्हारी सहायता करेंगी। ठीक है कोई बात नहीं, जो रास्ते में कोई भी देवी देवता पड़ेगा उसका मैं ध्यान रखूंगा। चलो माँ तैयार है। मेरी माँ कहती है कि बेटा रास्ते में कोई दही देवता किसी का थान भी बराबर है अपने मस्तक को झुका ठीक है झुका कोई परेशानी ना है। अरे लल्लू भाई चलो जहाज भला हो चलो चलिए जहाज तैयार खड़ा भरा।
चल लो भैया। मारा मास्टर उनके संग में बहान जोरे ननुहा जाए। जब झाज हमारो जई जगह पे रखो रुको और हमने भेंट दई जब झाज यहाँ से बढ़ के गयो आगे बढ़ के गयो। हाँ अब ऐसो लाला के अब के कोई ध्यान ही ना रहो तो अब के कछु भेंट को बेटा ती ना कहूगी। मगर एक बात है हाँ जिन आए ननुआ संग हमारे हाँ तो तू तो वो तो बहुत छोटा है और तू तो जान तो कहा है भाई के भाई लाला सुने हमने के बतर आए रे झाज के बारे में के कैसे चलेगो ने बा भाई वो तू झाज के पीछे जा झाज को चलाओ। हां चल लो आए तो रहे दोनों विचार कर रहे हैं आगे बारे में भैया एक बोल्ट ढीलो रहे वो ने वो कस ले बस पन्ना। हां देख जाय न मालूम पर जाय न बात लगी ना मालूम पर देंगे और चंडी के मंदिर में चलो। हां जाओ ले चलो ले चलेंगे और का और जैसे जे चंडी का काज सर नभावे और जैसी जाकी भेंट चढ़ाई दो न तो जे खास और न धर्म को ऐसो कहूं जे भाई बहन की पीठ पे पांव जाके आओ ठीक है आज तो चल जाएगा नहीं मामलो गड़बड़ है जाएगा और का आ जाओ अरे बराबर आज को लाला का बात है ननुआ कहिए देख आजा जीदा न्यागा लाला चंडी को मंदिर है जी चंडी को जई बजाती जे झाज रखवाए पहले चलो दर्शन कर लें दर्शन करने के बारे हां बहुत देर रह गई चल तो मेरी मां ने भी कहा था कि बेटा कोई रास्ते में दही देवता पर उसके दर्शन करते जाना। हाँ लाला बिना दर्शन के का है, है? चलो मामा जी अरे टाइम लग गया लग जाएगा और आओ चलो ना आओ और ये भैया इंदा बन्ना एक बात बताऊं। हाँ जाए हाथ में तो कच्छुली सी ले 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 लोग से ढोल होने के पेट ठीक है ठीक है अलग रहे तू लाला इतक हुआ बोलो देख जाए मोहिदे नहीं इसे नहीं दूंगा हमारी बात मान देख भैया तू छोटो बालक है तू अभी जान तो ना है जा लोए ते चंडी डर पते है ना पते है आन मानती है। हाँ लो मामा जी जा दबका ले जा। हाँ मेरा काले आ जा चलो चलते हैं हाँ चलो बाद में जे ये मंदिर जे हो चंडी भैया चंडी बा है। हाँ दर्शन करो आप लोग इस तरीके से करोगे देख ला मैं बताऊंगा पहले। हाँ बता चल बता जय हो चंडी माँ हमारे ऊपर तो रक्षा कर ऐसे करना पड़ेगा और हमारे झाज है कैसी न कैसी हूँ चल आए लाला ये बड़े प्यार थे बड़ी प्रसन्न है चंडी भैया अरे बड़ी खुश है रही है जय हो मेरी चंडी माँ ऐसे मुझे करना पड़ेगा जय हो नभा के मुंह जय मेरी चंडी माँ एक पकड़ एक दो और ए मामा ये क्या कर रहे हो भैया मार रहे हम क्यों भाजी अब नहीं छोड़ेंगे तुझे क्योंकि हमारा जहाज रुका पड़ा है यहाँ हमें तेरी भेंट चढ़ानी है। मामा जी मुझे मत मारो क्यों आपका जहाज चल जाएगा चल जाएगा। हाँ तो हम तुझे छोड़ देंगे मुझे 5 मिनट का भजन कर ले तो ठीक है कर ले भजन ठीक है बड़े अफसोस की बात है मेरी माँ ने यह कहा था बेटा बनवारी इस हाथ से हथियार को मन देना आज वही माँ की कहानी मेरे सामने आ गई मेरा बाबा जी का झाज अटका हुआ है भगवान कैसे चलेगा
नहीं जहाँ चलेगा तो मामा जी मेरी भेंट को चढ़ा देंगे इस चंडी पर। अपने दुर्गे माँ से ध्यान लगाऊंगा, वो आएगी और बनियन का झाँच चलाएगी। हे दुर्गे माँ आ रहा मेरी लाला रे, खबरिया मेरी मैया परवत परवत बारी। छत चला दे मेरे महतारी। ए दुर्गा माँ अरे बेटा कहिए क्या बात है? माँ बनियों का छाल लटका हुआ है, ये नहीं चल रहा है, ये चंडी माँ मेरी भेंट को चला रहे हैं। क्या बनिया तेरी भेंट को चला रहे? हाँ नहीं बेटा, तू मेरा सेवक है, मैं तेरे हर समय साथ हूँ। मेरा नाम लेकर तेरे पाप की ठोकर लगा दे, बनियों का झाग चल जाएगा। ठीक है माँ, कोई बात नहीं है। ए मामा जी बल्लू भांजे चलो झाग को तैयारी करो। तैयार? हाँ चला हवाई चलेगा झाग। चलो चला चलाओ। मामा जी सुनो, आपको पता है झाग कैसे रुका हुआ था? कैसे रुका हुआ? दुर्गे माँ मांग रही थी दो भेंट। हाँ। आप एक भेंट बन के आए थे उस चंडी की, तो चंडी माँ हमने चंडी माँ से विनती की कि महतारी तू मेरी एक भेंट ले रही है, मेरे मामल का झाज अटका हुआ है, यदि मैं तुझे दो भेंट चढ़ा दूँ तो झाज चल जाएगा। तो चंडी माँ कहने की कि बेटा तू दो भेंट चढ़ाएगा तो तेरा झाज चल जाएगा। अब बैठो तुम्हारी दोनों की भेंट चढ़ाऊंगा मेरी। हम तो तेरी ताकत देख रहे, मेरी ताकत देख रहे। मैं तो बन करके आया हूँ चंडी माँ से भेंट। भाई हमें भाई लल्लू कैसे ठीक है भाई? देख भाई बात नहीं मामा जी, आपने तो मुझे भेंट चढ़ाने कहा लेकिन मैं आपको बक्से देता हूँ। तो मेरे मामा हमें फिर भी आपसे मामा कह रहा हूँ, बैठो जहाज में जहाज चलो चला चला। अरे लल्लू बाजी मामा जी जहाज में बैठो। हाँ जहाज चलाओ, जहाज तैयार है तुम्हारा? तैयार है जहाज। आपको पता नहीं क्या कमी थी, अब सुनो देखो आपको जहाज चलता है। चलाओ चलाओ। अरे सो मेरे लिए जगदीश, सो मेरे लिए अपरंपारी। माता सुबह लिया परम तवारी।
गंडा रो समोए लड़को छायो रोकी तो स्नान ध्यान करेंगे और कुछ आराम कर थोड़ी देर बैठेंगे, इसके बाद में कपड़ा अपड़ा बदल के नहीं आ जब धंधो करवे काजे और जब गोट का पता लगाएंगे जब ही गोट का पता लगाएंगे जब ही धंधो फिर ठीक है। चलिए मामाजी आओ चलिए मामा जी। अरे भाई हम आया है हम आया है। अरे लल्लू कपड़ा बदले आया लाला अन्ना। ओए भैया पुन्ना देख हमारो भांजो आज कितना सुंदर रख रहो देख ले राजन। अब तो जी राजन को सुकुमार है वो राजन को सुकुमार लग रहो मामा जी। अब ऐसा धंधा करने के लिए आप भी जाए और हम भी धंधा करने ठीक है और हिसाब से करना धंधा अपना। मामा जी मैं तो हिसाब से ही करूंगा। झुन्ना ओए चलो चले जाने का बता चले कछू देख लल्लू। हाँ। चार दिशाएं पूरब चलो जाइयो अच्छा पश्चिम चलो जाइयो अच्छा और उत्तर चलो जाइयो अच्छा बस भांजे दक्षिण माओ मत जाइयो। दक्षिण माओ क्या बात है भैया बड़ी देख मां चुड़ैली आए भूत है जिंद है। अच्छा हाँ माया वो देश खराब है। हाँ भैया ठीक है लल्लू भांजे ठीक है। अच्छा सुनो हाँ पूरब नहीं जाऊंगा हाँ पश्चिम नहीं जाऊंगा अच्छा उत्तर भी नहीं जाऊंगा क्यों नहीं मामा जी धंधा करने के लिए दक्षिणी जाऊंगा। वाह रे वाह भांजे ठीक है ना मानो तो चलो यार ठीक है। मामा जी हाँ आप मेरी चिंता न कर मैं जल्दी आऊंगा ना जल्दी क्या महीना पीछे आ जा भैया मैं हाँ तीन महीना पीछे आ जाऊंगा। देख एक बात ध्यान रखियो भाई हम पहले आ गए तो तेरा इंतजार करेंगे अच्छा और तू पहले आ जाए तो हमारा इंतजार करियो। ये बात सही है कोई किसी को छोड़ के नहीं जाएगा छोड़ के नहीं जाएगा ठीक है। बादा राम मामा जी लल्लू राम 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 चलिए लल्लू राम राम। और मामा जी एक बात और सरोज चंती समय एक बात और बता देता हूँ बता लल्लू। ए मामा देख तीनों तीन महीना को मेरा पेड़ो लख लियो चौथा महीना लगे जाए जननी है सम मामा जी ने कहा कि बेटा इस दिशा में मन जाना दक्षिण की में और मैं दक्षिण की दिशा में जाऊंगा। क्या कि मामा जी कहते थे कोई गोट खेल रही थी यहां को हमको देख करके भाग के गई इधर इसी दिशा में जाऊंगा तो मुझे समुद्र के किनारे किनारे चलना चाहिए देखू कहां पर क्या है। अरे मेरी मैया
कौन बात है? कोई बुढ़िया इस समुद्र के किनारे कभी कहती है डूब गई, कभी कहती है पार गई, कभी रोती है तो कभी हंसती है, महसूस होता है बुढ़िया कर क्या रही है। अरे मेरी मैया ये ठीक है, मालूम होता है कि इसके घर में झगड़ा हो गया है, इसकी बहू मक्कार है इसलिए लड़के से निकाल दिया है, या ऐसे बुढ़े ने परेशान किया है, ये बियावान जंगल है, दरिया बह रहा है, इसके किनारे पे ये रो रही है, कभी पार गई डूब गई, कभी रोती है कभी हंसती है, इसे बुढ़िया से भेद पूछना चाहिए क्या कारण है। ए बुढ़िया राम राम, वारे राम राम, राम राम चोरे, यहाँ कैसे घूमे रहो? मैं ये देख रहा हूँ कि आप क्या कर रही हैं? डूब गई। बुढ़िया ने आगे आ जा तू बढ़के। तो मोती का काम है रे? नहीं माँ, तू कहीं कभी डूब गई, कभी हंस गई, कभी रोती है, कभी कहती है पार गई, ये कारण क्या है? खड़े हो जा। पहले मोए। हाँ। खड़ी करे। उठाए। ये तो बहुत खड़ी नहीं हो रही है बुढ़िया। या बुढ़ी बुढ़िया खड़ी नहीं होती है। अरे ससुरे बहू में बुढ़िया देखी भैया का लड़ाई कहती है कि पार गई डूब गई, कभी अरे मेरी मैया रे, कभी हंसती है, ये क्या कर रही है? समुद्र का किनारा है, तू क्या कर रही है यहाँ? मैं? हाँ अजी क्या कह रहा हूँ, क्या मार लगाई? हाँ मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि किसी ने। अरे सासुरे बहू में बेटा भैया ना लड़ाई काऊ की पूरी बेटा काऊ।
की अधूरी बैठी रे बैठी ना लगाए रही देखी दूरी अरे बेटा जे ये रे मेरा काम अरे घास फूस की जुड़ी रे लगाऊं अरे बे माता ले तये माता कहते बे माता अच्छा बे माता और बेटा जूरी लगा मती हूँ मैं भैया जूरी कैसी होती है अरे अब तू सबर ही खुद मेरे पूछ ले वो बता दे देख तू यहाँ से भाग जा ने बेटा तो कोई सार सरेटा खा जाए वो मोए हाँ और तू का उन्ना खाई अरे लला मोए कोई बड़ी बुढ़िया का खाएगो और मोह में का कोई लला मांस है और तब हारा रह गए भैया जब तू ना खाई तो मोए कैसे खा जाएगा कोई तो एक बार बताते हैं हाँ। जूरी कैसी होती है लगा दे ब्याह कर रहे हैं तो मैं ब्याह हम्बे अच्छा कैसा ब्याह होता है काऊ को छोरा और काऊ की छोरी अच्छा फिर का होता है अरे फिर ब्याह है जा तो फिर का होता है अरे फिर का तो भामर पर ही फिर का होगा जब मौसी आवेगी तोसी तू तो बड़ी बूढ़ी है अरे लला मैं अभी तो बड़ी बूढ़ी हूँ अच्छा हाँ जब नौ दांत तक आई तो छटियां काजल लगावती छटियां काजल हमने अच्छा हाँ तो फिर क्या होगा फिर लला दे घर में आ जाएगी तेरी खातर करो करेगी वो बहू हाँ फिर तो नवा करेगी फिर क्या करेगी खाना खवा करेगी फिर क्या करेगी तेज और सो करेगी फिर क्या करेगी संध्या सवेरे तेले दो घंटा रो करेगी रो करेगी लोचा क्या क्या करेगी सब हृदय सब जानते है एक बार तू ना बतावे तो ऐसी होता जूरी हाँ भैया एक जूरी मेरी लगा दे अरे लला तेरी तो मैंने बहुत दिना पहले लगाई दी मेरी जब तू भयो का हिंसिया में अंगा करो तावील ते लगाई दी मेरी हाँ तुझे कैसे बताया कभी हिंसिया में हुआ मुझे क्या बताया और तू अगर हुआ तेरे मेरी कहाँ दूरी लगा दी अभी जो लला मैंने बहुत दिना पहले लगाई दी तू मुझे कैसे जानती है ले कहता देख तू जान तेरी अम्मा जानू तेरे दादा जानू तेरे बाबा जानू तेरे पर बाबा जानू ये देख ले क्या मेरे हाथ में हाँ जान जितना लला तो अब न्यों समझ लो क्या अब तो तू है वह जाला कर मुझसे बात ना ना हो तू हतुई हाँ जाकर लला मैं नहीं तेरा जो कुछ करो सो ए बुढ़िया हाँ तू जानती है कि तेरे दादा परदादा मेरा दादा परदादा कोई नहीं है मैं अकेला हूँ ना बता मेरा कौन दादा है कौन परदादा है सब जानती है मुझे लगा लो कितनी झूठ बोल रही है तब तू मेरा नाम ही बता दे तेरा नाम हाँ। अरे तेरा नाम लला नलब नवारी और जो कोई सुन ले सो डोला दुनिया मारी मारी काहे को झूठ बोल रही है मोते कहता ननुआ का जो नल बनवारी अरे बेटा तेरा नल बनवारी एक ही नाम है मेरी माँ का क्या नाम है मंझा मेरे पिता का क्या नाम है राजा प्रथम झूठ बोलती है प्रथम तो मेरा दुश्मन है दक्षिणपुर तो लला तेरी ननसार है मेरी ननसार है हाँ भैया तेरी ऐसी बात सुनकर मुझे चक्कर में डाल दिया चल क्यों बेटा चल मैं दक्षिणपुर में आया कैसे बेटा दक्षिणपुर तो तेरी ननसार है तू आया तो बाबू बता न्यो कह न्यो पूछो कि मैं कैसे आऊं यहां कैसे रह रहा हूं बढ़िया हाँ सब हेत बताएगी ने मेरे तेगा से मारी धरो रे जा सतर मन करे बेटा जा तू सतर कर ले तो ना जब ही लला समय में करे जा ने लिप कर लेगा तो आइए तेरे चक्कर में डाल दिया मुझे न्यो का बात तू है वो जा लाग हाँ। तू बात ना ना होती नहीं नहीं बता ले सुन बता अरे करी भाई रे तेरी मैया पेरे तंगी बाबूला सोची ना महल को भेज दिए भंगी और का करो अरे भंगन नाई करी रे तंगी और बिकट बनिया के बीच छोड़ गई बेहड़ा में नंगी अच्छा कहीं तक हमने
तेरे चक्कर में डाल दिया। अरे पुरोका मैया ढेर किया क्या बता कि बेटा कौन सी गलती बड़ी मात तू बलो वासुदियो अरे न छोड़ा तन पे कछु लगता और ही से बेरंग के बीच बिछाए दे हिंसन के पत्ता तेरा नाम बताओ। अरे फेरे मा